तेजस्वी यादव जी को भी हेल्थ टिप्स प्रधानमंत्री मोदी जी दिए तो ये उसको भी मान कर करके आज अपना हेल्थ अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हेल्थ गुरु नहीं बनाए बल्कि राजनीतिक गुरु भी तेजस्वी जी उनको बना लें। इनसाइड लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, जिस तरीके से कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे विधानसभा के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने जाते जाते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक सलाह दी थी, और वो सलाह ये थी कि अपना वजन थोड़ा कम करो। इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी बातों को वाकई में दिल से लगा बैठे हैं। तभी तो लगातार उनके एक से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आते जा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है, उसके बाद कभी वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी जीप को धकेलते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अब उनका एक वीडियो जो सामने आया है उसमें वो टेनिस खेल रहे हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि टेनिस खेलते खेलते वो कहीं ना कहीं शायद दूसरी तरफ भाभी राशि भी हो सकती हैं, शायद उनके साथ भी खेल रहे हों और अपना वजन कम कर रहे हों। तो ये बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को इतना ज़्यादा क्यों मान रहे हैं? क्या इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो किस बात के लिए इम्प्रेस कर रहे हैं? उसी बात कि उन्होंने ये जो वीडियो तो अपने सोशल मीडिया पर डाला है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि हारने या जीतने से डरो मत, बस खेलो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। बदलाव, आत्मविश्वास, निरंतरता और एकाग्रता से ज़्यादा प्रभावी कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रभावी चीज़ लग रही है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, नरेंद्र मोदी जी की सलाह लग रही है जो उन्होंने तेजस्वी यादव को दी है। तेजस्वी यादव जो हैं इसको लेकर के लगातार लगे हुए हैं, अपना वजन कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और एक से एक है वो सोशल मीडिया पर डालते जा रहे हैं। अब देखिए, इसको लेकर के बीजेपी ने निशाना भी साध लिया है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि भाई अब अपने हेल्थ गुरु तो वो मान ही लिए हैं, राजनीतिक गुरु भी बना ले। अब सुनिए कि बीजेपी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी क्या, पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हेल्थ की बातों को गंभीरता से लेती है। योगा को पूरे विश्व में अपनाने का जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया तो पूरा विश्व उसको माना और योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया। तेजस्वी यादव जी को भी हेल्थ टिप्स प्रधानमंत्री मोदी जी दिए तो ये उसको भी मान कर करके आज अपना हेल्थ अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। केवल ये तेजस्वी जी हेल्थ पर नहीं रहे, ये हेल्थ गुरु नहीं बनाए बल्कि राजनीतिक गुरु भी तेजस्वी जी उनको बना लें तो इनका जीवन संवर जाएगा। उनकी विचारधारा पर चल करके, उनके बताए रास्ते पर चल कर करके अगर ये राजनीति करें तो राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा और बिहार के लिए भी अच्छा होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है और साफ कहा है कि भाई अपना हेल्थ गुरु आपने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है तो राजनीतिक गुरु भी बना ही रहे। देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव अब आगे और क्या क्या कुछ करते हैं मोदी जी की सलाह को लेकर के।